टीवी सीरियल में बड़े कलाकारों के साथ साथ बाल कलाकारों को भी काफी अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये नन्हे नन्हे से कलाकार अपनी मासूमियत और भोले से चेहरे से सभी को अपना बना लेते हैं, जिसके चलते दर्शक इनकी ओर आकर्षित होते हैं। कभी कभी ये छोटे से कलाकार बड़े कलाकारों से ज्यादा फेम लूट कर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी सीरियल में काम करने वाले ये बाल कलाकार आज काफी बड़े हो चुके हैं, साथ ही काफी अच्छे भी दिखते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी सीरियल में काम करने वाले टॉप 5 बाल कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जो काफी बड़े हो चुके हैं। आइए जानते कौन है। नंबर 5, एहसास चन्ना। देवों के देव महादेव सीरियल में एहसास चन्ना ने अशोक सुंदरी का किरदार निभाया और उस समय ये महज 10 साल की थी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस किरदार को पर्दे पर उतारा, जिसे दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। इसके बाद इन्होंने ओए जस्सी, बेस्ट ऑफ लक निकी में काम किया, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री आज काफी बड़ी हो चुकी हैं, साथ ही काफी सुंदर भी दिखती हैं। वर्तमान में इन्होंने अपने करियर को जारी रखा है और यूट्यूब चैनल गर्ल याप्पा में काम करती हुई दिखती है। नंबर 4, रोशनी वालिया। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में अजबदे पुनवर का किरदार अभिनेत्री रोशनी वालिया ने निभाया। उस समय इनकी उम्र केवल 13 साल की थी, पर फिर भी इन्होंने इस गंभीर किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा और दर्शकों से खूब सराहना मिली। इसके बाद इन्होंने ये वादा रहा और बालिका वधू जैसे सीरियल में काम किया, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री आज काफी बड़ी हो चुकी हैं, साथ ही काफी सुंदर भी दिखती हैं। वर्तमान में इन्होंने अपने करियर को जारी रखा है और सोनी के शो तारा फ्राम सितारा में मुख्य किरदार निभा रही है। नंबर 3, अवनीत कौर। छोटे पर्दे की सबसे लोकप्रिय बाल कलाकार हैं अवनीत कौर, जिन्होंने छोटी सी उम्र में मेरी माँ, हमारी सिस्टर दीदी और एक मुट्ठी आसमान जैसे सीरियल में काम किया और अपने दमदार अदाकारी से सभी के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अवनीत कौर आज काफी बड़ी हो चुकी है और काफी सुंदर दिखती है। आपको बता दें, वर्तमान में इन्होंने अपने करियर को जारी रखा है और सब टीवी के शो अलादीन में जैस्मिन का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। नंबर 2, आशिका भाटिया। 2009 में इमेजिन टीवी पर प्रस्तुत हुए शो मीरा में मीरा के बचपन का किरदार अभिनेत्री आशिका भाटिया ने निभाया और उस वक्त इनकी उम्र केवल 9 साल की थी, फिर भी इन्होंने इस किरदार को इतनी सुंदरता से पर्दे पर उतारा कि सभी लोग हैरान हो गए। इस शो के बाद इन्होंने सोनी के शो परवरिश में काम किया और इस शो के बाद इन्होंने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज काफी बड़ी हो गई है, साथ ही काफी सुंदर दिखती हैं। वर्तमान में भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है, बेशक टीवी पर नजर नहीं आ रही पर टिकटॉक पर छाई हुई है। इनके 14.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसके चलते खूब नाम और शोहरत कमा रही है। नंबर 1, झनक शुक्ला। 90 के दशक का पॉपुलर शो करिश्मा का करिश्मा में रॉबर्ट करिश्मा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री झनक शुक्ला ही थी, जिन्होंने अपनी क्यूटनेस और जबरदस्त एक्टिंग से इस किरदार को बहुत ही खूबसूरत बनाया। इस शो में इनकी केवल उम्र 6 साल थी, इस उम्र में इन्होंने इस किरदार से सभी का दिल जीत लिया। इस शो को करने के लिए किसी और शो में नजर नहीं आई और इस शो के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, छोटी सी झनक आज काफी बड़ी हो चुकी है, पर आज 24 साल की हो चुकी है, पहले से ज्यादा सुंदर दिखती है। वर्तमान में भी ये टीवी इंडस्ट्री से दूर है और अपनी पढ़ाई में बिजी है। तो दोस्तों, आपको इन सभी बाल कलाकारों में कौन सा बाल कलाकार बेहद पसंद है, आप हमें इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही टीवी से जुड़ी कुछ मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।